अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, ठीक है? हाउ टू चेंज इंटू हाउ, कैसे टू चेंज चेंज करते हैं इंटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में ये पहला वीडियो है, ठीक है? पहला वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो किसके किस टाइप के लिए है कि जब सब्जेक्ट हो, क्या हो? सब्जेक्ट मतलब जो किसी कार्य को करने वाला मुख्य है, जो एक्शन को करने वाला, ठीक है ना, हिंदी में करता। तो सब्जेक्ट और उसके बाद अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, तो हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको डू या डज लगाना है अगर फर्स्ट फॉर्म है तो, ठीक है? डू या डज लगाएंगे, डू या डज के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए हमेशा? अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका नंबर कट सकता है। अब आगे बात करते हैं। तो वी वन का मतलब है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है उसमें वर्ब का एस या ईएस कंडीशनल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर भी एस या ईएस है, यहाँ पर भी एस या ईएस, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर हो सकता है लगा हो या हो सकता है ना लगा हो, पर यहाँ पर नहीं लगा रहेगा 100%, ठीक है? याद रखेंगे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं रहेगा या आईएनजी फॉर्म भी नहीं रहेगा, सीधा सीधा केवल सिंपल सा फर्स्ट फॉर्म बस रहता है, ठीक है? आगे चले। अब एक दिन पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर दिया वर्ब क्या दिया है? राइट। वर्ब में क्या है? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कम, तो ये सरल सरल है। तो सरल सरल अगर इजी है तो आपको ये पहचानना है पहले कौन सा फॉर्म है, ये उसी वाला पढ़ रहे हैं। अब चूंकि वही वाला पढ़ रहे हैं इसलिए सब वही वही है, ठीक है ना? हमको ये तय करना है डू लगेगा कि, तो देख लो डू कब लगता है, डू तो डू कब लगता है के अलावा डज कब लगता है? डज लगता है जो स्पेशल होते हैं, है ना? ही, शी, इट या फिर नाम जो कि एक सिंगुलर हो, ठीक है? उसी के साथ क्या लगेगा? बाकी सब के साथ चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या फिर नाउन जो कि प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल, तो क्या लगेगा? डू लगेगा। क्लियर हो गया ना? yes, यहाँ पर देखो आय है, डज लगेगा कि डू लगेगा? डू। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डू, डू, ठीक है? yes, और उसके बाद बोलता है इसमें से आइटम ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? आय। हम क्या ले लिए? आय। उसके बाद बोलता है सीधा सीधा, अच्छा वर्ब नहीं लिखे, क्या है यहाँ पर आ गया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना? yes, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास नहीं है। डू आय फिर लास्ट में उसको छोड़ना मत, ठीक है? आगे चले। ही के साथ क्या है? स्लिप। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, भूल जाते हो, ठीक है ना? अब ये बताओ इसमें क्या लगा है? yes. तो जब एस लगा रहता है वर्ब में तो हम क्या यूज करते हैं? yes. मालूम है ना? yes, sir. डर। उसके बाद उसके बाद और फिर बन जाएगा। yes, sir. ये वाला ओके हो गया और ये वाला भी ओके, क्लियर है ना? yes, sir. अगला द काउ इज ग्रास, दिख रहा है? yes, sir. कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना? yes, sir. क्या लगा है वर्ब में? yes. तो इसको हटा रहे हैं, याद रखना वहां हटाना है। यहाँ पर क्या लगेगा? अब आप लोग गलत गलत बोलोगे तो मैं गलत गलत लिख दूं क्या? नहीं है भैया, ये यहाँ पर से हटेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये एस जो है कहाँ आ गया? डू में आ गया। क्लियर हो गया ना? यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। ये यहाँ पर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं। समझ में आ गया ना? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा अगला लफ्ज है, कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या लगेगा? किस चीज के लिए? इंट्रोगेटिव के लिए। माय मदर मदर
लव मी मी क्वेश्चन अभी बताओ इसको कितने लोग लव पढ़ते हैं भाई सुनाई देता है कहीं कि बीच बीच में यस हटेगा ना यस सर क्या लिखा है लव्स हाँ गलत नहीं पढ़ने का तो बता रहे हैं कि एस आ गया डज में डू में लग गया ना yes, यहाँ पर से हटेगा कि नहीं हटेगा हटेगा नहीं हटाओगे तो दिक्कत में रहोगे और यहाँ देखो सबसे स्पेशल इसी के लिए यहाँ पर इतना मेहनत किया गया इसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ तक लाया दे डू नॉट कम निगेटिव है कि नहीं है जोर से जब निगेटिव सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेम प्रोसेस है हमारा सामने में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब ठीक है और उसके बाद दे फिर नॉट फिर कम इसको याद रखना करेंटली इसको पढ़ाया नहीं जा रहा था पर फिर भी बता दिए है ना जब हम लोग पढ़ते थे इसको बोलते थे इंट्रो निगेटिव क्या बोलते थे इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव भी है प्रश्न भी है नकारात्मक है निगेटिव भी है क्लियर हो गया बन जाएगा yes, sir. तो अब इसका तुम छोटा छोटा समझ लो कैसे बनता है करके करके देखे गणित करते हैं ना करके देखे yes, हम कर लिए देख लिए तो हम ये निकाल रहे हैं इसका कि जब भी हम इसको बनाएंगे ठीक है ना yes. तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब के लिए देखना है कि क्या हो सकता है लेकिन अगर रहेगा तो उस हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आना है सामने में कहां ले जाना है बाकी सेम टू सेम उतार करके क्वेश्चन मार्क कब जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा डू डज को पहचानने में ठीक है yes. अगला रहेगा डिड का अगला वीडियो डिड का इसको बंद करें yes, sir.